नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरभि टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। पूरे भारत के 22 राज्यों के 235 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, तो अभी तक भारी बारिश से 747 मौतें हो गई, 10,000 मकान तबाह हो गए हैं, 2.5 लाख हेक्टेयर फसल भी बर्बाद हो गई है और मरने वाले जानवरों की संख्या भी 21,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और इसीलिए महाराष्ट्र में NDRF की 12 टीमें तैनात की गई हैं, तो गुजरात में भारी बारिश को देखते हुए 6 जिलों में NDRF की तैनाती की गई है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू तो हुई, लेकिन हंगामे के बीच 4 मिनट बाद ही लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। वहीं राज्यसभा में 19 मिनट तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में मणिपुर पर चर्चा करने की बात कही, मगर विपक्ष ने उनकी बात सुने बिना हंगामा जारी रखा। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में अरविंद केजरीवाल आज गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हाईकोर्ट से उसके 31 मार्च के फैसले की समीक्षा करने की मांग की है, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री से जुड़े डिटेल्स देने के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को रद्द कर दिया था। असल में सीएम केजरीवाल ने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसके बाद CIC ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री के बारे में केजरीवाल को जानकारी मुहैया कराने को कहा, तो फिर CIC के इसी आदेश को यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसको सही मानते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने CIC के इस आदेश को रद्द कर दिया और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज यानी 21 जुलाई को कोई बदलाव नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये लीटर है, तो डीजल 89 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106 रुपये और डीजल 94 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साल से ज़्यादा समय से पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी बार 21 मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था। तब पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था, जिसके पेट्रोल और डीजल के दाम 9.5 रुपये और 7 रुपये कम हो गए थे। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर है। भारत और अमेरिका अब एक साथ मिलकर लंबी दूरी तक वार करने वाले हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं और हथियारों का इस्तेमाल चीन को काउंटर करने के लिए LSC पर किया जाएगा। बता दें कि जानकारी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के टॉप अधिकारी एली रेटनर ने दी है। उन्होंने कहा कि ये फैसला दिखाता है कि बाइडेन प्रशासन इंडो पैसिफिक में अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका न सिर्फ भारत बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी दुश्मन पर हमला करने की क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन भारत के दौरे पर आए हुए हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात करेंगे। द मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस विजिट के दौरान वो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, चीन और व्यापार पर चर्चा करेंगे। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों इस साल राजनयिक संबंधों की स्थापना का 75वां साल मना रहे हैं। आपको बता दें कि भारत दौरे से पहले राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा था कि श्रीलंका भारतीय रुपये का उतना ही इस्तेमाल होते देखना चाहता है जितना अमेरिकी डॉलर का होता है, और अगर रुपए का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इससे हमें कोई भी एतराज नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम्स बंस ने कहा है कि पुतिन वैगनर चीफ प्रगोजिन से बगावत करने का बदला जरूर लेंगे, वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एक सिक्योरिटी फोरम के दौरान बंस ने कहा कि पिछले महीने रूस में जो कुछ हुआ उसने वहाँ के खोखले हो चुके सिस्टम को उजागर किया है। दरअसल फोरम के दौरान CIA चीफ से प्रगोजिन के भविष्य को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रूस में हालात काफ़ी पेचीदा है, अमेरिका में रूस के लिए वैगनर अभी भी काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इसके चलते पुतिन पहले वैगनर आर्मी पर प्रगोजिन के असर का ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लेंगे। चीन और अमेरिका के विवाद के बीच 100 साल के पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हेनरी किसिंजर वही अमेरिकी नेता हैं जिन्होंने 1970 के दशक में चीन से बिगड़ते रिश्तों को संभाला था। हालांकि अभी अमेरिका ने कहा है कि किसिंजर की निजी यात्रा है, वो अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए हैं। BBC के मुताबिक उनके रुतबे के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल में अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन और क्लाइमेट डिप्लोमेट चीन गए थे, लेकिन शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात नहीं की, जबकि वो किसिंजर से मिले और गेस्ट हाउस में उनका वेलकम भी किया।
देश विदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।